नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा, तपोवन घाटी में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, सीएम धामी भी रहे मौजूद। एसीएस राधा रतोड़ी ने मुख्यमंत्री अनुभागों को किया औचक निरीक्षण, कार्यालय की व्यवस्था, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और साफ सफाई का लिया जायजा, 15 फरवरी तक दुरुस्त करने के निर्देश। उत्तराखंड लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां, भाजपा ने पांचों लोकसभा सीटों पर नियुक्त किए सह प्रभारी और संयोजक, कांग्रेस ने भी नियुक्त किए प्रभारी। आदित्य जोशी उत्तराखंड मंत्री सौरभ बहुगुणा की प्रेस वार्ता, विभाग के कार्यों की दी जानकारी, पशुपालक दुग्ध पालकों को बेहतर सुविधाएं देनी बताई गई प्राथमिकता। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, कोहरे की छाई, घनी चादर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी का ऐलान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तपोवन घाटी पहुंचे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ठीक 12:30 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है जोशीमठ के तपोवन घाटी पहुंचे, जहां साथ ही राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया। सैकड़ों हजारों की तादाद में स्थानीय ग्रामीण जो है मौजूद रहे। बीआरओ के जवानों ने रक्षा मंत्री और प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। वहीं भारतीय सेना के जवान, पुलिस प्रशासन की टीम, बीआरओ की टीम सैकड़ों की तादाद में तपोवन घाटी में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसीएस राधा रतोड़ी ने सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री अनुभागों का औचक निरीक्षण कर कार्यालय की व्यवस्था, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, साफ सफाई आदि का जायजा लिया। सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री अनुभागों के कार्यालयों को 15 फरवरी तक अपनी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही रिकॉर्ड मेंटेनेंस, साफ सफाई, पुराने और अनुपयोगी सामानों और फाइलों के ऑक्शन और वीडिंग के डेडलाइन दी। वहीं कार्मिकों के लिए गरिमापूर्ण वर्क एनवायरनमेंट बनाने के साथ ही कार्य संस्कृति में सुधार की भी नसीहत दी गई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपने विभाग के कार्यों को लेकर जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने पशुपालक दुग्ध पालकों को बेहतर सुविधाएं देना अपनी प्राथमिकताएं बताई। वहीं मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पशुपालन विभाग में 3 नई योजनाएं शुरू की गई है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अभी तक 1941 किसानों ने इस योजना का फायदा उठाया है। पिछले 1.5-2 साल में लगातार हमने कोशिश करी है कि हमारे विभागों के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है रोजगार उत्पन्न करना और पलायन को कहीं ना कहीं वार करना उसके ऊपर, वो हमने उस पर कोशिश करी है। हमने अपने पशुपालन विभाग और हमारे डेयरी विभाग में लगभग 3 ऐसी योजनाएं शुरू करी हैं जिससे कि हमने रोजगार भी उत्पन्न किया है और पलायन पर भी हमने वार किया है। गोट वैली प्रोजेक्ट हमारा कुकुट वैली प्रोजेक्ट, हमारे दूध के अमाउंट में वृद्धि, हमारे सब्सिडी साइलेज और भूसे पे हमारी सब्सिडी इंक्रीमेंट, गंगा गाय योजना के तहत हमने 2-3-5 गाय के साथ जो SC ST और जनरल कैटेगरी जो हमारी महिला है उनको 25% से बढ़ा के सब्सिडी 75% करना, हमारे जनरल लोगों के लिए 25% से सब्सिडी बढ़ा के 50% करना, इससे हमारे बहुत फायदा हुआ देखने को। हमारा दूध का प्रोक्योरमेंट 25% बढ़ा उत्तराखंड में, हम 2,30,000 लीटर तक पहुँच चुके हैं जनवरी में।
आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा ने प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। पुष्कर सिंह काला को पौड़ी और कुलदीप कुमार को हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में विनय रुहेला को प्रभारी, शैलेंद्र सिंह बिष्ट को सह प्रभारी और रमेश चौहान को संयोजक बनाया गया है। वहीं पौड़ी से हेमंत द्विवेदी को सह प्रभारी, विजय कपरवाण को संयोजक, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में सुरेश भट्ट को प्रभारी, दीपक मेहरा को सह प्रभारी, शिव सिंह बिष्ट को संयोजक नियुक्त किया गया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रत्येक कार्यकर्ता के काम को सुनिश्चित करती आई है, उसी कार्य पद्धति का यह हिस्सा है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इस लोकसभा चुनाव के में ऐतिहासिक विजय के लिए जो विभिन्न प्रकार के कामों का विभाजन, कार्यों का विभाजन किया जाना है, उसी के निमित्त आदरणीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा करी है और लोकसभा संयोजकों की। तो मुझे हरिद्वार में सह प्रभारी के नाते दायित्व आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया है। निश्चित तौर से हम लोग सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को के उद्देश्य को जो जीत आनी चाहिए बड़े स्तर के साथ, उसकी ओर हम लोग लगेंगे, बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी पांचों संसदीय क्षेत्रों के प्रभारी पहले ही नियुक्त किए जाने का दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी तो पहले सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि 15 जनवरी को पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने सभी लोकसभा सीटों के प्रभारी के साथ एक बैठक की और उन्हें कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का प्रयास है कि बूथ स्तर पर पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाए। तो आज से 15 दिन पहले पांचों लोकसभाओं के प्रभारी नियुक्त कर दिए, उनकी दिल्ली में बैठक भी होगी, ACC में माननीय अध्यक्ष जी साथ बैठक भी हुई। हमने हमारे पौड़ी में विक्रम सिंह जी हैं, टिहरी में मंत्री विशाल निथानी जी और प्रभारी हैं, हरिद्वार में गणेश गुदियाल जी प्रभारी बनाए हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर में गोविंद सिंह गुंजवाल जी हैं और अल्मोड़ा में डॉक्टर जीतराम जी हैं, पाँच के पाँच लोग। और माननीय प्रभारी जी ने भी 15 तारीख को उनके साथ अलग से बैठक की है। पांचों लोकसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर अपना काम कर रहे हैं, वो नीचे स्तर पर भी कर रहे हैं। जागेश्वर अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा के दन्या आरासल पर मोटर मार्ग में 20 करोड़ की लागत से बनने वाली डामरीकरण सड़क का शिलान्यास सांसद अजय टमटा, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने विधिवत रूप से किया। इसके अलावा जागेश्वर विधानसभा की तीन अन्य सड़कों का डामरीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। उर्धेश्वर महादेव मंदिर में हुए दन्या आरासल पर मार्ग के शिलान्यास कार्यक्रम में जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने कहा कि चारों सड़कों के लिए केंद्र सरकार की 56 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरा पूरा प्रयास है कि सड़कों को अच्छा बनाया जाए। IIT रुड़की के भारतीय जल संसाधन विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस सेमिनार में 30 देशों के 300 से ज्यादा विशेषज्ञों ने भाग लिया। वहीं कई विषयों पर भी चर्चा होगी। वहीं सेमिनार का मुख्य उद्देश्य जल आपूर्ति, जल प्रबंधन, आपदा प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी, साथ ही अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत वे करेंगे। IIT के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका भी रहेगी, क्योंकि छात्र देश का भविष्य है। वहीं इस मौके पर अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि फ्यूचर में वाटर की उपलब्धता कैसे रहेगी और हमें किस हिसाब से वाटर का उचित प्रबंधन करना है, जिससे कि हमारी फ्यूचर में या भविष्य में पानी की कमी ना हो। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है पर और हमारे कई वाटर सोर्स विलुप्त भी हो रहे हैं, तो यह एक बड़ा ही सोचनीय विषय है कि हमारे जो जल की उपलब्धता है वो बराबर बनी रहे और जिससे कि हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको पानी मिलता रहे। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ करीब 350 पार्टिसिपेंट डिफरेंट
कंट्रीज से, डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने जेल जाने से लेकर कार सेवकों के साथ अयोध्या में रामलला को टेंट में स्थापित करने की बातें साझा की। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर 1990 को नारों के साथ हल्द्वानी में जुलूस निकाल रहे थे कि पुलिस ने उनके साथ 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अल्मोड़ा की जेल में बंद कर दिया। 14 दिनों तक जेल में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। मेरा राम मंदिर आंदोलन से बहुत ज़्यादा संबंध रहा, चाहे शिला पूजन हो, चाहे राम ज्योति हो, चाहे अस्थि कलश यात्रा हो, चाहे राम ज्योति कार्यक्रम हो, और भी गांव के अंदर प्रचार प्रसार, उसमें लगातार निरंतर मेरा प्रयास रहा और मैं सक्रिय रहा। इसी क्रम में अक्टूबर 90 में हम लोग हल्द्वानी में 15 लोग यहाँ के हल्दूचौड़ के रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे नारे लगाते हुए झार से हमको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गए। वहाँ पर 21 लोग कमूला धमला की पूरी रामला कमेटी को गिरफ्तार करके लाए हुए थे, कुल मिला के 35 लोग हो गए। शाम को हमको एक रोडवेज की बस में बिठाला, घुमाते सुबह 6 बजे से ही पहले अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल में पहुँचा दिया। हल्द्वानी में कांग्रेस के स्वराज आश्रम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल लोकसभा के लिए चुनाव समन्वयक बनाए गए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष समेत सभी ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी अपनी राय लोकसभा समन्वयकों के समक्ष रखी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने सुझाव रखे। लोकसभा समन्वयक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता के साथ तैयारियों में जुट गई है। उस संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने अभी तक क्या काम किया, कहां पर क्या बना है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद जो आगे चुनाव की रणनीति होगी वो भी बातचीत होगी, इस तरह से होती है क्या करेंगे कैसा करेंगे करके। तो चुनाव आ गए हैं इसलिए चुनाव के संबंध में जो भी रणनीति बन सकती है, जो हम उनको बता सकते हैं या जो काम जमीन से करवा सकते हैं, उस जमीन को करवाने का प्रयास कर किया जा रहा है। गोविंद सिंह कुंजवाल जी को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और अभी दिल्ली में उनको बुलाया गया था सारे कोऑर्डिनेटर्स को, और वहाँ पे वॉर रूम में पूरी तैयारी के साथ किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी और हर 10 बूथ पे एक मंडलम बनाया गया है और उस पर एक प्रभारी भी देना है ताकि दो लोग 10 बूथ की जिम्मेदारी लेके मॉनिटरिंग भी करें और जितने पदाधिकारी हैं, जैसे जिला कार्यकारिणी के 150 पदाधिकारी हैं नैनीताल ज़िले के, तो वो 150 के 150 लोग अपने अपने जो बूथ हैं और जो उनके आसपास के 9 बूथ हैं वहाँ पर वो मंडलम प्रभारी बनेंगे या मंडलम बनेंगे। नैनीताल जिले के भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में संचालित धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों और मंदिरों में स्वच्छता का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत भीमताल के अंतर्गत श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में विशेष सफाई अभियान में हिस्सा लिया। विधायक ने सभी से अपने अपने वार्ड, ग्राम पंचायतों के मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान भी किया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ेंगे खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे ने कहा कि पिछले साल के अनुभवों और केदारनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अभी से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में पुलिस प्रशासन जुट चुका है। साथ ही उन सभी स्थानों का भी निरीक्षण किया जा रहा है जहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस इस बार अपनी सभी जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों में जुटी है। पार्किंग व्यवस्था, सड़क मार्गो को ठीक कराने से लेकर केदारनाथ पैदल मार्ग पर जहां पर भी कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं।
24 की केदारनाथ धाम की यात्रा है, उसको मद्देनजर रखते हुए अभी हमने यात्रा मार्ग का जो है निरीक्षण किया है। इसमें जहाँ जहाँ पे सड़क टूट फूट हुई है या लैंडस्लाइड हुआ है, उन मार्गों को भी देखा गया है। इसके साथ साथ जो हमारे थाने और चौकी यात्रा रूट में आते हैं, उनको भी उनके व्यवस्थितीकरण एवं सौंदर्यकरण के लिए जो है निर्देशित किया गया है। साथ साथ जो हमारा केदारनाथ की मेन पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंड है, वहाँ पर भी निर्माण कार्य जो है वो प्रगतिशील है। जो हमारी पुलिस का बल रहता है, उसको रहने की व्यवस्था है, उनको भी चेक किया गया। उसके साथ साथ जो गौरीकुंड में हमारा फोर्स रहता है, उनकी रहने की व्यवस्था है और चौकी का सौंदर्यकरण को भी चेक किया गया है। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में लंबे समय से विद्युत बिलों का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके तहत दर्जनों उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे गए हैं। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि टनकपुर क्षेत्र में लंबे समय से विद्युत बिलों का भुगतान न करने वाले बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले भी वन उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद भी उन उपभोक्ताओं के द्वारा विद्युत का बकाया बिल का भुगतान ना करने पर उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ऐसे जमा नहीं किए हैं, उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई इस समय अमल में लाई जा रही है। जिन भी उपभोक्ताओं ने अपने बिल जमा नहीं किए हैं, वो अविलंब अपना विद्युत का बिल का भुगतान कर दें, अन्यथा उनके कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे हुंडा के पास सड़क पर चल रही एक युवती को बेकाबू डंपर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद वाहन चालक मौके पर अपना वाहन छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बेकाबू वाहन की टक्कर से सैनी निवासी 22 साल के सुजाता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवती की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर देखने को मिल रही है। मृतक युवती जो है पेट्रोल पंप पर कार्य करती थी। रुड़की के पिरान कलियर में बकरी बाड़े में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते आग लग गई, जिससे झुलसकर करीब 20 बकरियों की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसमें महिला का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। महिला ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बकरियों का पालन किया था, लेकिन आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया। महिला ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की भी मांग की है। ऑपरेशन या वो हमारी और भी टेबल वो फंक्शन की खराब हो गई थी। हमने दो महीने से हमने जिला अस्पताल उत्तरकाशी में पिछले दो महीने से ऑपरेशन थिएटर की ओटी टेबल खराब है, जिसकी वजह से दूर दराज से ऑपरेशन के लिए मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दो महीने तक ऑर्थो की मशीन जो है उससे काम चलाया जा रहा था, लेकिन वो मशीन भी खराब होने से जिला मुख्यालय में गंभीर बीमारी के मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। पिछले तीन महीने से अस्पताल में ओटी टेबल के साथ ऑटोक्लेव मशीन भी खराब है, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों को देहरादून इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। दो महीने से सर्जन ओटी टेबल सही करवाने की मांग की जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेशन या वो हमारी ओटी टेबल वो फंक्शन की खराब हो गई थी। हमने दो महीने से हमने दो महीने पहले कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन वो आया ठीक करके गया, फिर वो मतलब सही हालत में वो ठीक नहीं हो पाई, फिर कल कंप्लीट रूप से खराब हो गई, इसलिए हमें कल वो केस सारे पोस्टपोन करने पड़े। और उसके अलावा हमारी ऑटोक्लेव मशीन भी वो 10 दिन से खराब है, लेकिन उसमें भी अभी उसका एलिमेंट मंगाया था, अभी तक आ नहीं पाया, तो हमारा सामान भी ऑटोक्लेव नहीं हो रहा है। दो दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद अब ओली दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। ओली में अभी
दो इंच के आसपास ताजी बर्फ की चादर जो है बिछी हुई है। यहाँ हर दिन भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं औली में बर्फबारी होने से स्थानीय लोग खुश हैं, तो वहीं पर्यटक भी अब औली का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं देहरादून में कोहरे की घनी चादर छाई रही। मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया था। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट का असर जो है अब देहरादून में भी देखा जा रहा है। हरिद्वार समेत कई जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। और इसी के साथ बुलेटिन के आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा, तपोवन घाटी में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, सीएम धामे भी रहे मौजूद। एसीएस राधा रतोड़ी ने मुख्यमंत्री अनुभागों का किया औचक निरीक्षण, कार्यालय की व्यवस्था, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और साफ सफाई का लिया जायजा, 15 फरवरी तक दुरुस्त करने के निर्देश। उत्तराखंड लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां, भाजपा ने पांचों लोकसभा सीटों पर नियुक्त किए सह प्रभारी और संयोजक, वहीं कांग्रेस ने भी नियुक्त किए प्रभारी। उत्तराखंड मंत्री सौरभ बहुगुणा की प्रेस वार्ता, विभागों के कार्यों की दी जानकारी, पशुपालक दुग्ध पालकों को बेहतर सुविधाएं देने की बताई प्राथमिकता। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, कोहरे की छाई, घने चादर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी का ऐलान। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। We'll be right back.